हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जोहार। मैं आपका जीएस एजुकेटर रोहित कुमार स्वागत करता हूँ वाईफाई स्टडी विद सीसा पार्ट ऑफ अकेडमी। तो कैसे हैं आप लोग माय डियर? बिल्कुल शानदार और ज़बरदस्त होंगे, उम्मीद करते हैं। जहाँ होंगे बिल्कुल धमाल मचा रहे होंगे और शानदार तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी, है ना। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, तो हमारे साथ कई सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, जिनमें से सचिन, करुणा, निशो, मुस्कान, कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर राहुल, आशीष, आनंद, गोमू, डिंपल, गिरीश, है ना। तो चलते देखते हैं बच्चे कि आज फिर से धमाल मचेगा, और फिर आज हम लोग फिर से 40 सवाल देखेंगे और उम्मीद करते हैं कि ये 40 सवाल आज बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मजा आएगा। जो कहते हो ना, मुझे गूगली मास्टर कहते हो या फिर कहते हो सर बहुत सारे क्वेश्चन आप गूगली डालते हो, यही गूगली है जो आप और बेटर पढ़ने के लिए मजबूर होते हो। अगर सोचो, अगर ये गूगली नहीं होता, आप खुद से सोचिए, अज्यूम करिए कि अगर ये मैं गूगली नहीं करता, सीधा सीधा सवाल डालता, तो क्या आप अपने पढ़ने के तरीके बदलते? नहीं बदलते, आप भी वैसे ही सीधा सीधा पढ़ते, है ना, आप भी सीधा सीधा पढ़ते, लेकिन कुछ गूगली डालने के कारण ही आपके पढ़ने के तरीके में बदलाव आया है। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं 40 सवाल है। और देखो, एक चीज याद रखना कि मेरे जो कोर्सेज हैं वो SSC एग्जाम जो 13 अक्टूबर से शुरू हुआ है माय डियर, टाइमिंग इसकी 12:40 पे दोपहर में, और यहाँ पे हम लोग करते क्या ना, बिल्कुल इतने डिटेल पढ़ते हैं, इतने डेप्थ पढ़ते हैं, इसके बाद उस चैप्टर से जुड़े हुए MCQ देख लेते हैं, जिससे आपको जरा सा भी मन में कोई डाउट नहीं रहता है। और एक बहुत बड़े फीचर अनअकैडमी के पास है कि आप बिल्कुल लाइव क्लास में बात कर सकते हो। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम हुआ किसी पार्टिकुलर टॉपिक में या क्वेश्चन में नहीं समझ में आया, तो आप हाथ उठाइए जैसे क्लासरूम में उठाते थे और डायरेक्ट इंटरेक्ट करिए, बात करिए। तो ये रहा आपके सामने फी। आप जैसे ये कोड यूज करते हैं तो 10% का आपको रिबेट मिल जाता है। इसके अलावा जिसमें भी आप ये कोड यूज करिएगा, 10% आपको रिबेट मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको लगता है सर मैं संविधान पढ़ता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, या फिर मैं रेलवे का ही तैयारी करता हूँ, तो रेलवे में भी हमारे कोर्सेज हैं जो 13 अक्टूबर से शुरू हुए हैं और टाइमिंग इसकी 9:05 पे है, तो आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो माय डियर। यहाँ पर भी सेम फीचर सारा कुछ है, और ऐसा नहीं केवल GK GS, ऑल सब्जेक्ट, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट, जिनसे पढ़ना चाहो, जो भी एजुकेटर पढ़ा रहे हैं रेलवे या फिर SSC कैटेगरी में। अनकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए आप ये रेफरल कोड जो है हमारा BA BA 10 बाबा टिल, अगर आप ज्वाइन करिए, ठीक है। चलिए, सवाल नंबर 1, बहुत आसान सवाल। हु इज द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को? यूनेस्को का वर्तमान महानिदेशक कौन है? नहीं, कोई बिना ऑप्शन का नहीं, सारा ऑप्शन के साथ होगा, कोई गूगली क्वेश्चन नहीं है भाई। बिल्कुल, मैंने ऐसे ही कह दिया कि गूगली अगर ना देते तो आज आप अपने पढ़ने के तरीके में ना बदलते। कोई गूगली वगली नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सवाल है सारे। तो यूनेस्को के वर्तमान महानिदेशक की बात करें तो कौन है भाई? ऑड्रे अजौले। देख रहे हो कितने आसान सवाल है, कितने आसान है, बताओ। कोई गूगली है क्या? आप खुद बताइए, कोई गूगली दिया मैंने? बताओ, मैंने कोई गूगली दी? मैंने ऐसे ही कहा कि जब गूगली नहीं होता तो आप अपने पढ़ने के तरीके नहीं बदलते, ठीक है। तो ऑड्रे अजौले फ्रांसीसी सिविल सेवक और राजनीतिज्ञ हैं, जो 2017 के बाद से यूनेस्को के महानिदेशक के रूप में काम कर रहे हैं। वह संगठन की दूसरी महिला नेता है। तो कहां गया ये? फ्रांसीसी, यानी इनका संबंध किस देश से है? तो फ्रांस से, है ना। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? जेम्स ब्रैड टेलर, सीडी देशमुख, ओसमन स्मिथ, बेनिगल राम राव, बीएन राव। क्या होगा सवाल नंबर 2? और ये याद रखना, ये केवल और केवल आपके जो एग्जाम, कमिंग एग्जाम है, MTS की बात कर लें या फिर GD की बात कर लें, ये फिर आने वाले एग्जाम है, बिल्कुल वैसा ही सेट है, कोई टफ सेट नहीं है। आज आज उम्मीद करेंगे आपसे कि 40 में से 40 लेकर आएंगे,
पहले गवर्नर की बात करें, देखो ऑस्मन स्मिथ सीडी देशमुख के पहले भारतीय हैं, इंडियन हैं ये, पहले इंडियन, पहले भारतीय सीडी देशमुख, पहले भारतीय सीडी देशमुख, आरबीआई के पहले गवर्नर जब 1935 में इसकी स्थापना की गई तब ऑस्मन स्मिथ है। अच्छा बीएन राव बता सकते हो कि इनका संबंध किससे है? बीएन राव की बात करें तो आपको याद होगा कि संविधान में संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार जो है वो बीएन राव है ना, बीएन राव है। क्लियर है भाई? चलिए तो भाई ऑस्मन स्मिथ 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937 तक भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे। वे एक पेशेवर बैंकर थे जिन्होंने बैंक ऑफ न्यू साउथ वेल्स के साथ 20 साल और ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ बैंक के साथ 10 साल तक इन्होंने सर्विस दी, सेवा की है। स्माइलिंग बुद्धा भारत का पहला सफल परमाणु बम परीक्षण कब आयोजित किया गया था? 1974, 1975, 1997 या 1998? आज तो भैया राजपूत साहब, चौहान साहब तो भर दे रहे हैं बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बताइए क्या होगा? तो स्माइलिंग बुद्धा की बात करें माय डियर, 1974 1974 इंदिरा गांधी के समय, 1974 1974 इंदिरा गांधी के समय। और ये याद रखना, दूसरा हुआ था 1998 जिसे ऑपरेशन शक्ति कहा गया, जिसे ऑपरेशन शक्ति कहा गया वाजपेयी जी के समय, वाजपेयी जी के समय। यानी कौन सा वाजपेयी? अटल बिहारी वाजपेयी, मनोज वाजपेयी मत कर देना। हाँ मनोज वाजपेयी तो हैं, लेकिन मनोज वाजपेयी नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी, जिनको भारत रत्न मिला था 2015 में, ठीक है याद रखना। ये कहां हुआ था भाई? पोखरण में, पोखरण में कहां पे? राजस्थान, ठीक है राजस्थान में। नेक्स्ट की बात करें तो स्माइलिंग बुद्धा 18 मई 1974 को भारतीय पहले सफल परमाणु बम परीक्षण का नियत कोड नाम था और इसे राजस्थान में किया गया था, पोखरण में। कहां पे? पोखरण टेस्ट रेंज में। गॉट इट? नेक्स्ट की बात करें, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वाज एस्टेब्लिश इन विच ईयर? तो एनजीटी की बात करें, इसकी स्थापना कब की गई है? 2010 में। जरा बताना एनजीटी का मुखिया कौन है, हेड कौन है, एनजीटी के हेड कौन है जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एनजीटी के हेड कौन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के हेड कौन है, मुखिया कौन है जरा कमेंट बॉक्स में बताइए, एनजीटी के हेड कौन है? एनजीटी के हेड कौन है? आदर्श कुमार गोयल, आदर्श कुमार गोयल है क्या? एके गोयल, आदर्श कुमार गोयल, एके गोयल है ना। नेक्स्ट, तो एनजीटी की स्थापना 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत किया गया था, जो पर्यावरण से संबंधित पर्यावरण संरक्षण और वन और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से शामिल है, ठीक है। राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम, नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर? राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? 2015, 2018, 2012, 2017? क्वेश्चन नंबर 5। राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम की बात करें, नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें 2015। अरे खुद से सोचो, मोदी जी आएंगे तभी तो होगा, मोदी जी आएंगे नहीं स्किल डेवलपमेंट होगा ही नहीं, स्किल इंडिया प्रोग्राम चलेगा ही नहीं, तो 2012 तो ऐसे ही निकाल दें, क्योंकि ये तो मोदी जी नहीं, ये तो मनमोहन सिंह की सरकार की है, टाइम पीरियड है ना। नेक्स्ट की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जुलाई 2015 को
कब, डेट जरूर याद रखिएगा, 15 जुलाई 2015 को राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसका लक्ष्य 2022 तक, लक्ष्य 2022 तक भारत में 40 करोड़ से अधिक लोगों को विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षित करना है। इस मिशन का उद्देश्य समाज में बेहतर आजीविका सम्मान और भारतीय युवाओं का व्यवसायिक प्रशिक्षण करना है। तो डेट याद रखिएगा, 15 जुलाई 2015, 15 जुलाई 2015, ठीक है। आगे देखिए, भारत के वर्तमान चुनाव आयुक्त कौन है? हु इज द करंट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? सुनील अरोड़ा, सुशील चंद्र, अनुप चंद्र पांडे, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ, स्किल इंडिया, स्किल मिनिस्टर जो है आपके, जो आपके शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, बताइए क्या होगा। तो भारत के वर्तमान चुनाव आयुक्त की बात करें तो क्या निकल कर आएंगे? चंदन जी का जवाब लग रहा है बिल्कुल सही है भाई, मुझे चंदन जी का जवाब सही लगा। बाकी बात आपके जवाब गलत है, सचिन जी का भी जवाब सही है, बाकी बात आपके चालान कट गए सबके, क्योंकि यहां पर आपके चुनाव आयुक्त पूछे गए हैं, ना कि करेंट चीफ पूछा गया, ना कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त पूछा गया। अभी से आप गूगली बोल दो या जो बोल दो, अभी से गूगली बोलिए या जो बोलिए, या आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो आप देखोगे, चुनाव आयुक्त की बात करें, सुनील अरोड़ा भारत के वर्तमान और 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ये सुनील अरोड़ा है क्या? अभी कौन है भाई मुख्य चुनाव आयुक्त? सुशील चंद्रा है ना, ये भारत के पूर्व, माफी चाहेंगे, भारत के पूर्व और 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे, जो एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज के अध्यक्ष हैं। अभी आपके सुशील चंद्रा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। राजीव कुमार अन्य चुनाव आयुक्त और अनूप चंद्र पांडे अन्य चुनाव आयुक्त, आपके सामने ये इमेज है। यानी 3 सदस्य की शुरुआत 1989 से की गई है। जब चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी 1950 में, तब केवल 1 सदस्य हुआ करते थे, 1 सदस्य हुआ करते थे, लेकिन 1989 में ये 3 मेंबर हुए हैं, याद रखिएगा, है ना, 3 मेंबर। और पाठ की बात करें तो ये पाठ 15 में इसकी चर्चा है, आर्टिकल नंबर 324 से लेकर 329 तक उल्लेख है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट की बात करें, मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र आपके सामने, और अन्य चुनाव आयुक्त की बात करें राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे। नेक्स्ट, 1930 में दांडी मार्च के साथ निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा आशीष जी आपने भी लगाया, बहुत शानदार। तो बताइए क्या होगा, 1930 में दांडी मार्च की बात करें, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में, और चंपारण सत्याग्रह था ये 1917, ठीक है। तो ये सीक्वेंस देख लेना बिल्कुल आप। तो 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने यह आंदोलन शुरू हुआ था दांडी मार्च के साथ, जो 12 मार्च को शुरू हुआ 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से, गुजरात जो तट है दांडी, जो नवसारी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, 200 मील की दूरी थी, और ये 6 अप्रैल को कानून तोड़ते हैं। पहुंचते कब हैं ये? 5 अप्रैल को पहुंचते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया? गुवाहाटी, जयपुर, गैंगटोक, देहरादून। क्वेश्चन नंबर 8, है ना। तो भाई किस शहर को, जयपुर को शामिल किया गया था 2019 में? पहला शहर था अहमदाबाद, और अभी यूनेस्को के वर्ल्ड लिस्ट की बात करें हम तो 40 हैं, 40वां कौन है? गुजरात।
बताइए गुजरात में कौन सा स्थल, मैं बता दे रहा हूं 39वां आपका रामप्पा टेम्पल, रामप्पा टेम्पल तेलंगाना। 40वां बताइए गुजरात का कौन सा है, 40वां कौन सा है गुजरात का, अहमदाबाद 2017 में, 2017 में जयपुर राजस्थान है ना। धौलावीरा, गुजरात का धौलावीरा। चलिए बहुत बढ़िया, बच्चों ने उम्दा प्रदर्शन करते हुए जवाब दिया है धौलावीरा, धौलावीरा। ठीक है, तो अहमदाबाद यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की मान्यता पाने के बाद अहमदाबाद के बाद गुजरात दूसरा शहर बन गया है, याद रखिएगा। ठीक है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान और उसकी प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों से संबंधित है, आर्टिकल 360, 343, 370, 368, क्वेश्चन नंबर 9। तो कौन सा भाई आसान सवाल 368 जो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, पार्ट बताइएगा पार्ट कितने में है ये, और अगर पार्ट 20 अगर होगा तो जरा सा थंब दिखाना, ना तो फिर मुझे बताना क्योंकि मेरे दिमाग से स्किप कर गया कि पार्ट 20 है क्या। 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, 343 में क्या होगा कि हिंदी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, 370 जम्मू कश्मीर को कभी विशेष राज्य का दर्जा दिया करते थे, एक था टाइगर है ना, अब इसकी बोलती बंद कर दिया मोदी जी ने। तो किस पार्ट में है, पार्ट 20 है ना, बिल्कुल राइट है। आगे देखिए, तो संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 संविधान उसकी प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों से संबंधित है, प्रक्रिया भारत के संविधान के पवित्रता को सुनिश्चित करती है। एक क्वेश्चन और बताना कि संसद के मतलब संविधान संशोधन के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन अनिवार्य है या नहीं है, अनिवार्य है या नहीं है। आंचल जी यूपीएससी प्रिपरेशन बिल्कुल बेनिफिट है, लेकिन बेसिक क्वेश्चन है ये, आपको बेसिक अगर आता है तो वेरी नाइस है ना। तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन कभी नहीं होगा, याद रखिएगा कभी नहीं। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, साहित्य, खेल, संगीत, पत्रकारिता। क्वेश्चन नंबर 10, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें, ये स्पोर्ट्स खेल में, किसमें, खेल में। अभी आप देख लो कि खेल और खेलों में उत्कृष्ट कोच के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है। भाई द्रोणाचार्य क्या थे, गुरु थे महाभारत में, इसीलिए ये कोच को दिया जाता है। तो 2020 में किसे मिला है, आप ये जरूर याद रखिएगा आपके आने वाले पेपर में। तो कौन कौन फेमस है, सारे फेमस है, लेकिन कुछ आपके जरूर ज्यादा फेमस होंगे जो पूछे जाएंगे, जैसे जसपाल राणा निशानेबाजी, कुलदीप हांडू उसू, देख रहे हो कुछ क्वेश्चन आपके जो बराबर पूछे जाते हैं। नरेश कुमार किस खेल से संबंधित है, टेनिस है ना। तो ये आप देख सकते हो इतने लोगों को द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया 2020 में। ठीक है, जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 के पुरुष संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा, भारत, स्पेन, चिली, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 11, क्या होगा भाई, तो भारत करेगा माय डियर। जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 के पुरुष संस्करण की मेजबानी कौन करेगा, इंडिया करेगा, ये याद रखिएगा। तो 2021 पुरुषों की हॉकी जूनियर विश्व कप की मेजबानी भारत में की जाएगी 2021 के अंत में, हो सकता है दिसंबर में हो, नवंबर दिसंबर में। किसके कमी के कारण ऑस्टियोपोरोसिस होता है, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन B12, विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 12, ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें, एक ऐसा डिजीज जिसमें हड्डी की कमी यानी हड्डी का क्षरण होता है, सॉरी विटामिन डी की कमी। तो विटामिन डी की कमी के कारण ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है, हड्डी का क्षरण होता है इसमें है ना, विटामिन डी। ठीक है भाई, ऑस्टियोपोरोसिस एक हड्डी की बीमारी है जो हड्डियों का जो डेंसिटी है वो कम हो जाता है, क्षरण हो जाता है, जिससे फ्रैक्चर का खतरा बढ़ता है, ये विटामिन डी की कमी के कारण देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से किसने केसरी नामक समाचार पत्र की स्थापना की,
एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, बाल गंगाधर तिलक, व्योमेश चंद्र बनर्जी, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या होगा? तो भाई केसरी की बात करें, बाल गंगाधर तिलक या मराठा की बात करें, तो केसरी किस भाषा में? मराठी में। और मराठा, मराठा अंग्रेजी में, इंग्लिश में, है ना। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एओ ह्यूम, 1885 में कांग्रेस की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष थे डब्ल्यू सी बनर्जी, और महात्मा गांधी 1924 में एक बार अध्यक्षता करते हैं बेलगांव कर्नाटक, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, तो बाल गंगाधर तिलक ने 1881 में ईयर कब केसरी नामक एक समाचार पत्र की स्थापना की थी, ठीक है। 1920-22 तक चले जालियांवाला बाग नरसंहार के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? सिविल डिजोबिडेंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत मूवमेंट, नन कॉपरेशन मूवमेंट या होम रूल मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, गीता रहस्य भी तिलक, बहुत शानदार, शिवाजी उत्सव, गणेश उत्सव सब है। क्या होगा? असहयोग आंदोलन। अब ये ईयर पूछ दिया माय डियर, तो आप ईयर से निकाल लो ना, कैसे? 1 अगस्त 1920 को स्थापना यानी शुरुआत, और फिर 12 फरवरी 1922 को ये वापस लेते हैं। क्यों? क्योंकि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड हो जाता है। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड होता है जो गोरखपुर के पास है, इसीलिए ये क्या दिया पीरियड 1920 से 22। समझ में आ गया? ठीक है, हाँ, के बाद बोला वही तो, आई बात समझ में? असहयोग आंदोलन। अरे भाई, के बाद बोला है तो जालियांवाला बाग नरसंहार कब खत्म हुआ, आप जरा ये बताइए ना। जालियांवाला बाग नरसंहार के बाद, समझो, क्वेश्चन समझना, जालियांवाला बाग नरसंहार के बाद 1920-22 तक चले गांधी जी ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? आसान तो है भाई, खुद से समझो ना। जालियांवाला बाग नरसंहार के बाद 1920-22 तक चले गांधी जी ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? आप उल्टा मत समझिए, आप उल्टा समझेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ठीक है। क्योंकि जालियांवाला बाग नरसंहार 1920-22 तक तो चला नहीं था, ये तो घटना थी जो 1919 में हुआ है ना। तो असहयोग आंदोलन ब्रिटिश शासन से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण लेकिन छोटा चरण था, जिसका नेतृत्व गांधी जी ने जालियांवाला बाग नरसंहार के बाद किया था, ठीक है। धनसिरी नदी, धनसिरी रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी, धनसिरी नदी किसकी एक सहायक नदी है, इसीलिए कहते हैं क्वेश्चन को पढ़िए। देखो, एक चीज समझना कि क्वेश्चन बनाना नोट अ बिग डील, मैं हमेशा कहता हूं कि सवाल बनाना ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के शब्दों को समझना ये बहुत बड़ी चीज है कि क्वेश्चन कहता क्या है। तो किसकी ट्रिब्यूटरी है ये? ब्रह्मपुत्र की। धनसिरी किसकी है? ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी। देखो, एक बच्चा अगर इंडस कहता है उसके पीछे हम इंडस लगा देंगे, ब्रह्मपुत्र जान के भी नहीं लगाएंगे। अगर एक बच्चा कह दिया कि भारत के प्रधानमंत्री अभी कौन है, राहुल गांधी हैं, तो भाई भूल जाएंगे कि मोदी जी प्रधानमंत्री है। अच्छा, राहुल गांधी कब चेंज हुआ? रात में चेंज हुआ क्या? हाँ भाई, रात में चेंज हुआ, अचानक से मोदी जी ने इस्तीफा दिया और राहुल गांधी बीजेपी ज्वाइन किए और प्रधानमंत्री बन गए। मतलब यार, कुछ तो कम से कम अपना दिमाग तो लगाएंगे, कुछ भी बना दो। बिल्कुल, धनसिरी असम की नदी है, देख रहे हो, असम की है, तो सिंधु कहां असम ले आएंगे? धनसिरी असम के गोलाघाट जिले की मुख्य नदी है और नागालैंड का दीमापुर जिला में बहता है ये, ठीक है। ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। तरुण जी, बिल्कुल आपका जवाब दिख गया। मोहनजोदड़ो किस नदी पर स्थित है, बताओ क्या होगा? मोहनजोदड़ो इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? बताओ क्या होगा?
मोहनजोदाड़ो किस नदी पर स्थित है? अब सिंधु होगा, अब लगा दो। अब अगर पूछे कि कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने हैं, तब अब राहुल गांधी लगा दो, प्रधानमंत्री नहीं, अब सही होगा सिंधु, जो मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे हैं, जिसे 1922 में राखल दास बनर्जी, आर डी बनर्जी ने इसकी खोज की थी, जिसे हम मोहनजोदाड़ो यानी मृतकों का टीला कहते हैं, मृतकों का टीला मोहनजोदाड़ो। ठीक है, नर्मदा याद रखना, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन है? नर्मदा, जो अमरकंटक से निकलती है। आगे देखो तो सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर स्थित मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है और सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी बस्तियों में से एक थी, याद रखना। नेक्स्ट, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में कौन सा अवार्ड दिया जाता है? आर्किटेक्चर के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा अवार्ड प्रदान किया जाता है, बताइएगा। आर्किटेक्चर के क्षेत्र की बात करें तो प्रतिजर पुरस्कार, और यह आर्किटेक्चर के क्षेत्र में नोबेल है, है ना, नोबल पुरस्कार है। क्या बच्चे? नोबल अवार्ड है, नोबल पुरस्कार है। तो एक जीवित वास्तुकार को सम्मानित करने के लिए प्रतिजर पुरस्कार, वास्तुकला पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जिसे वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस वर्ष शुरू की गई थी? पंचायती राज सिस्टम वाज स्टार्टेड इन इंडिया इन विच ईयर? 1993, 1957, 1959, 1968, क्वेश्चन नंबर 18। क्योंकि भाई जितने सारे सवाल मैं पढ़ा रहा हूं, ये बिल्कुल आपको जीडी में देखने को मिलेंगे, बिल्कुल ये मात दिमाग में सेट रखना। तो 1959 में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, कहां से? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान, नागौर, बगदरी विलेज। ठीक है, याद रखना बिल्कुल। तो पंचायती राज का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। चिकित्सा की एक विशेषता जो किडनी के अध्ययन से संबंधित है, नेफ्रोलॉजी, हेमेटोलॉजी, सेरोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, क्वेश्चन नंबर 19 क्या होगा? हाँ, नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश, बहुत शानदार। तो नेफ्रोलॉजी माय डियर, नेफ्रोलॉजी चिकित्सा की एक विशेषता है जो किडनी के अध्ययन से संबंधित है। हेमेटोलॉजी जरा बताइएगा, हेमेटोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? हेमेटोलॉजी जरा बताना कमेंट बॉक्स में, किसके अध्ययन से संबंधित है? ब्लड के अध्ययन हेमेटोलॉजी है कि? अगर हाँ तो ये बिल्कुल थंब दिखा देना, मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, नेफ्रोलॉजी की बात करें, चिकित्सा की एक विशेषता है जो किडनी के अध्ययन से संबंधित है, गुर्दे के अध्ययन से संबंधित है। व्हाट इज द सिंबल ऑफ गोल्ड, स्वर्ण का प्रतीक क्या है? देखो एमटीएस से पूछा था ना, मैग्नीशियम का, एमटीएस में मैग्नीशियम का पूछा था। स्वर्ण का प्रतीक की बात करें तो गोल्ड है भाई, एयू, ये कॉपर, ये लोहा। ऑरम, AURUM। तो सोना एक रासायनिक तत्व जिसके प्रतीक AU है, और परमाणु संख्या 79, जो प्राकृतिक रूप से होने वाले उच्च परमाणु संख्या तत्वों में एक है, एक संक्रमण धातु जिसका समूह 11 तत्व है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई? द नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी वॉज फाउंडेड, हाँ, AG सिल्वर सुजीत, बहुत शानदार, बताइए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885, 16 मई 1885, 10 मई 1999, 25 मई 1999, क्या होगा?
सर एप्लीकेशन स्टेटस को भाई नहीं, क्यों क्यों रिजेक्ट होगा यार, चेक कर लो। 25 मई 1999 जो 1885 से लगा रहे हैं ये बता दें, ये एनसीपी है, एनसीपी, और जबकि ये आईएनसी है। तो अंतर है, केवल कांग्रेस पर मत जाना, केवल कांग्रेस पर मत जाना, ये राष्ट्रीय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी खड़ी छाप शरद पवार है ना, बिल्कुल। और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है जिसकी स्थापना बंबई में की गई थी। आई बात समझ में? तो अंतर है भाई, दोनों में अंतर है, समझना चीजों को। ये गूगली नहीं है, बस आप समझ नहीं पाए क्या है सो। नेक्स्ट, तो देखो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना 25 मई 1999 को शरद पवार, पीए संगम और तारिक अनवर ने की थी, याद रखना। भारत में पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई थी? वेन वाज द 5 ईयर प्लान एंडेड इन इंडिया? 1950, 1951, 2012, 2017, क्वेश्चन नंबर 22। बताइए, एग्जाम मिस हुआ तो क्या करोगे भाई? कुछ नहीं, अब नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करो, भुलाएगा थोड़े आपको। तो भारत पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई? 1951 में 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना की गई, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किया गया 1951 में। यह 12वीं पंचवर्षीय योजना था, 12th 2017 में एंड कर गया। सिंपल सा सवाल था, कुछ सोचना नहीं था आपको, कुछ सोचना नहीं था, सिंपल सा सवाल था। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई, नीति आयोग की स्थापना की गई है ना, बताओ। नेक्स्ट, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी, जो मुख्य रूप से प्राइमरी सेक्टर पर केंद्रित था, एग्रीकल्चर पर केंद्रित था, ठीक है। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के दौरान सिपाहियों द्वारा भारत के सम्राट के रूप में किसे घोषित किया गया? बताइए, 1857 के दौरान सिपाहियों द्वारा भारत के सम्राट के रूप में किसे घोषित किया गया था? नाना साहिब, बेगम हजरत महल, बहादुर शाह जफर या लियाकत अली? क्वेश्चन नंबर 23। बहादुर शाह जफर माय डियर, नाना साहब कानपुर, बेगम हजरत महल अवध या लखनऊ, लियाकत अली क्या है आपको याद होगा? तो ये उन अंतरिम सरकार 1946-47 में ये वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, और ये बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं, याद रखिएगा। तो 82 वर्षीय बहादुर शाह जफर को सिपाहियों ने भारत का सम्राट घोषित कर दिया, और इन्हें निर्वासित कर दिया जाता है, कहां? रंगून भेज दिया जाता है गिरफ्तार करके, जब ये युद्ध समाप्त होता है तब, ठीक है। नेक्स्ट, दीपा करमकार किस खेल से जुड़ी हैं? वो अंतिम मुगल बादशाह हैं बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकंड? दीपा करमकार किस खेल से जुड़ी हैं? दीपा करमकार इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? जिम्नास्टिक, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कुश्ती? क्वेश्चन नंबर 24। जिम्नास्टिक राइट, बिल्कुल जिम्नास्टिक राइट गज्जू जी, जिम्नास्टिक है, जिम्नास्टिक राइट नहीं है। अब पता ना गज्जू क्या लगा रहा है भाई, देख लो। जिम्नास्टिक राइट कौन सा खेल है मुझे ना समझ आ रहा है, मैं तो जिम्नास्टिक पढ़ाऊं या पढ़ाया हूं। तो दीपा कर्मकार एक भारतीय कलात्मक जिम्नास्ट हैं। पहली बार उन्होंने ध्यान आकर्षित किया जब उन्होंने ग्लासगो 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीता था। बताइएगा इनका संबंध किस राज्य से है? ये एक दीपा कर्मकार जी है, इनका संबंध किस राज्य से है? इनका संबंध किस राज्य से है भाई, इनका संबंध किस राज्य से है? इनका संबंध त्रिपुरा से है। देख रहो, पूरा लग रहा है कि बॉडी बिल्कुल रबर के माफिक है, बिल्कुल रबर भाई, हैट्स ऑफ है ऐसे ऐसे लड़कियों को, है ना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? नौ अप्रैल, 2 अक्टूबर, 8 मार्च, 3 मई, 25। सवाल नंबर 25। अरे गज्जू जी माइंड मत करना, क्लास है ना, थोड़ा सा हंसी मजाक होना भी चाहिए, है ना। ऐसे भी आप सिंसियर स्टूडेंट रहे हैं पहले से ही। 8 मार्च बच्चे,
8 मार्च ये अहिंसा दिवस है ना, याद रखिएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाते हैं। नेक्स्ट, कजरी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंध है? कजरी डांस इज एसोसिएटेड विथ विच इंडियन स्टेट? असम, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 26। क्या होगा? उत्तर प्रदेश। कजरी कहां? उत्तर प्रदेश की है ना, उत्तर प्रदेश। तो कजरी नृत्य कजरी गीत के साथ किया जाता है जो मानसून के मौसम की शुरुआत में श्रावण के महीने में किया जाता है, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश और बिहार में भी लोकप्रिय है भाई, कहां पे? बिहार में भी लोकप्रिय है। स्नैपडील के सीईओ निम्न में से कौन है? हु अमंग द फॉलोइंग इज द सीईओ ऑफ स्नैपडील? राजेश गोपीनाथन, कुणाल बहल, सलील पारेख, कल्याण कृष्णमूर्ति। क्वेश्चन नंबर 27। योगी जी का उत्तर प्रदेश। अरे यार आप लोग अल्टीमेट हो सब। क्या होगा भाई? कुणाल बहल। आशीष इसलिए इजी क्वेश्चन है माय डियर, क्योंकि अगर आप जीडी को देखोगे तो कहां टफ क्वेश्चन आएंगे, एमटीएस देख लो कहां टफ क्वेश्चन आया है। तो अब लेवल थोड़ा सा इसीलिए इजी कर रहे हैं बीच में, क्योंकि देखो आपका ख्याल भी तो रखना है। हम है ना ख्याल आपका, किस बैंक का स्लोगन है जरा बताइएगा। स्नैपडील नई दिल्ली भारत में स्थित एक भारतीय ई कॉमर्स कंपनी जिसकी स्थापना 2010 में की गई कुणाल बहल और रोहित बंसल के द्वारा है ना। जेब्रा का वैज्ञानिक नाम क्या है? इक्वस क्यूगा, कैनिस ल्यूपस फैमिलरीज, देख रहे हो हिंदी में परिचित देता है भाई साहब, गेविलियस गैंगोटिकस। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 28। आईसीआईसीआई बैंक, बहुत बढ़िया। अजीब क्वेश्चन नहीं दिया, अच्छा बताओ। देखो भी बच्चे कह रहे हैं कि सर अजीब क्वेश्चन दिया था एमटीएस, अजीब क्वेश्चन क्या होता है जरा बता दो। मतलब क्वेश्चन के सिंग निकले हुए हैं या क्वेश्चन की बड़ी बड़ी मूछें थी, बिल्कुल एकदम मूछें हो तो नथू लाल के जैसी ऐसे था जिसने कुछ पहन रखा था। अरे अजीब क्वेश्चन क्या होता है, मतलब फैक्ट है, बनेगा बनेगा, नहीं बनेगा नहीं बनेगा, मतलब अजीब अजीब। देखो कैसे कह रहे हैं कि सर अजीब क्वेश्चन था। तो इक्वस क्यूगा, इक्वस क्यू का ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट है ना। जेबरा का सामान्य नाम क्या है भाई? प्लेन्स जेबरा, मैदानी जेबरा, और वैज्ञानिक नाम इक्वस क्यूगा है, इक्वस क्यूगा, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट, केबुल लामा जाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य के शासित प्रदेश में स्थित है? कहते पल्ली ना पड़े उसको अजीब कहते हैं, सही कह रहे हो आज। मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 29, बहुत आसान। बताओ क्या होगा? केबुल लामा जाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य के शासित प्रदेश में स्थित है? तो बहुत आसान, मणिपुर। कहां पे भाई? मणिपुर, जहां पर लोकटक लैक है, लोकटक, और विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग पार्क केबुल लामा जाओ जो डांसिंग डियर और फूमदी के लिए मशहूर है, ठीक है। तो केबुल लामा जाओ नेशनल पार्क भारत के मणिपुर राज्य में, जिला जरूर याद रखिएगा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट, जिला जरूर याद रखिएगा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट, जो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है जो लोकतक, पूर्वोत्तर भारत में ये झील है जो फ्रेश वाटर लैक है, फ्रेश वाटर लैक है, ठीक है। आगे देखो, भारत में क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? Which state is the largest producer of chromite in India? Odisha, Rajasthan, Assam, Punjab। सवाल नंबर 30। काजल जी एक बार रिफ्रेश कर लीजिए या फिर से ऑफ करके ऑन करिए। तो ओडिशा, देखो ओडिशा कितने आगे हैं, चाहे वो क्रोमाइट हो, चाहे बॉक्साइट हो, अल्मोनियम हो, चाहे मैग्नीज हो, मैग्नीज हो, सब में उड़ीसा आगे है, सब में उड़ीसा आगे भाई, सोच लो सब में उड़ीसा आगे है ना। जय हो नवीन पटनायक सरकार की। उड़ीसा देश के कुल सिद्ध क्रोमाइट भंडार का, शुद्ध सिद्ध नहीं, शुद्ध क्रोमाइट भंडार का लगभग 98% हिस्सा रखता है, सोचिए। और कहां पर?
तो सुकिंडा घाटी में जो जाजपुर जिले ओडिशा के का एक शहर है, ठीक है। 2020 में कितने देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं? हाँ, 1 अप्रैल उत्कल दिवस, बहुत बढ़िया ममता कुमारी, शानदार। हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ द WTO इन 2020? 2020 में कितने देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं? निशु जी, 3 में छत्तीसगढ़, एकमात्र 3 छत्तीसगढ़ में होता ही और कहीं ना होता है, बिल्कुल 164। और 164 मेंबर कौन है? अफगानिस्तान है क्या? जरा बताना, अगर अफगानिस्तान होगा, अफगानिस्तान जिसे हम तालिबिस्तान कहते हैं, तालिबिस्तान, क्या कहते हैं? तालिबिस्तान। अफगानिस्तान 164 मेंबर है ना। तो भाई WTO एक अंतर सरकारी संगठन जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ है, 1 जनवरी 1995 को, जिसमें 164 सदस्य हैं जो अफगानिस्तान है लास्ट, ठीक है। नेक्स्ट, इसरो द्वारा शुरू किया गया सबसे छोटा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन है? आज गज्जू जी पूरे फॉर्म में आए आज। तो इसरो द्वारा शुरू किया गया सबसे छोटा उपग्रह बच्चे कौन है? क्लामसैट। कौन है? क्लामसैट, है ना। तो क्लामसैट सबसे हल्का और सबसे छोटा उपग्रह, जिसे भारत में तमिलनाडु के 18 वर्षीय लड़की, और यही तमिलनाडु है रामेश्वरम जहां से आपके कलाम साहब हैं, जो PSLV C-44 द्वारा उपग्रह को इसरो द्वारा निर्धारित कक्षा में ले जाया गया, है ना। तो ये 18 वर्षीय लड़के आने वाले समय में क्या पता कलाम जूनियर कलाम बन जाइए, है ना। हैट्स ऑफ यार ऐसे ऐसे बच्चों को, बिल्कुल। भारत का पहला डायनासोर संग्रहालय या इंडिया फर्स्ट डायनासोर म्यूजियम किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 33, इन विच स्टेट इज इंडियाज फर्स्ट डायनासोर म्यूजियम लोकेटेड? कहां पे? गुजरात में, है ना। कहां पे भाई? गुजरात में डायनासोर म्यूजियम बनाया गया है। तो गुजरात भारत के पहले डायनासोर म्यूजियम, जो कहां? रायोली गांव में, जीवाश्म पार्क का घर भी है, ठीक है, याद रखिएगा। बिल्कुल, ईस्ट इंडिया कंपनी किस शताब्दी में भारत आई? 14th, 15th, 16th, 17th। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, इन विच सेंचुरी द ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया? बताइए क्या होगा? कब आई थी? 17th century। देखो ये बहुत हमेशा फंसते हैं क्वेश्चन में, हमेशा फंसते हैं। जब अभी हम लोग 2021 में हैं, मतलब 21वीं शताब्दी 21st century में है, जब हम लोग 1999-98 में थे तो 20वीं century में थे, 20th century। तो भाई ये आती है 1608 में, जो 17वीं शताब्दी बनता है। आ रही बातें समझ में? तो इसको समझना पड़ेगा आपको। जैसे मैं कहता हूं वास्को डी गामा पुर्तगाली कब आए थे, तब हो जाएगा 15वीं शताब्दी। कैसे? ये आते हैं 1498 में। तो ये कॉन्सेप्ट है, एक बार दिमाग में सेट हो गया नहीं भूलेंगे फिर। आगे देखिए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मसालों के व्यापारी के रूप में भारत आई, और कब? 24 अगस्त 1608 को, जब भारत में जहांगीर का कार्यकाल है। किसका? जहांगीर का कार्यकाल है। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अकबर के समय में 1600 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। अरे भैया राजपूत राहुल साहब, अभी 2021 है तो 21वीं century हुई ना, हम शताब्दी की बात करते हैं मेरे लाल। ईरान का पुराना नाम क्या था? व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ ईरान? सिलोन, कॉन्स्टेंटिनोपोल, पेकिंग, फारस। क्वेश्चन नंबर 35, हाँ बेटा चिक्कू बिल्कुल आएगा। ओह क्या नाम है चिक्कू? तो भाई पर्सिया, फारस,
सिलोन किसका? श्रीलंका का। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन। पुरानी राजधानी क्या है? अनुराधापुर। अनुराधा पूर है ना। तो पश्चिमी दुनिया में ईरान के लिए फारस एक ऐतिहासिक रूप से सामान्य नाम था, जो 1935 में रेजा शाह ने विदेशी प्रतिनिधियों को औपचारिक पत्राचार में फारसी शब्द ईरान का उपयोग करने के लिए कहा था, याद रखिएगा। कार्बन ग्रेफाइट का एक एलोट्रॉप है, तो वो मेटल है, नॉन मेटल है, ओर है, मेटलॉइड है? क्वेश्चन नंबर 36 क्या होगा? हाँ पुनित भाई, आपका कमेंट शो हो रहा है। दीप चंदन भाई, ठीक है। तो ग्रेफाइट भाई क्या है? ये अधातु है, ऐसा अधातु जो कंडक्टर है, विद्युत का सुचालक है। क्या है? सुचालक है विद्युत का, है ना। विद्युत का क्या है? सुचालक है, कुचालक नहीं है, याद रखना। तो ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है, एलोट्रॉप है, जो अधातु है, और एकमात्र अधातु जो बिजली का संचालन यानी क्या है? सुचालक है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, मुर्देश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? मुर्देश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा? क्वेश्चन नंबर 37। मुर्देश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? क्या होगा? मुर्देश्वर मंदिर बच्चे भारत के किस राज्य में है बताइए, फास्ट करो। राजू जी एक काम करना, आप मत देखो अभी, जब क्लास खत्म हो जाएगा तो फास्ट करके फॉरवर्ड कर करके देख लेना, तो जल्दी समझ में आएगा, है ना। ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा आपको भाई, जिसके पास जाना है थोड़ा सा मैसेज डाल दो कि मैं अभी लेट आऊंगा या फिर मैं लेट लेट आऊंगी, जो भी है, क्योंकि नाम से तो पता नहीं चलता कि मेल हो फीमेल हो। उनकी याद होगा एक बार रात 10 बजे पढ़ा रहे थे वो अनअकैडमी पे, तो एक नीलू नाम के लड़के का नाम क्या है? नीलू। और जब मैंने बोला कि बताइए नीलू जी कैसी हैं, तो कहता है सर मैं नीलू नहीं हूँ, लड़का हूँ। पता नहीं चलता नाम, बताओ। हाँ यार, वही तो मैं कहता हूँ कि नाम रखते हैं मुन्नी, निकलता है मुन्ना, नाम रखते हैं संतोष, निकलती है संतोषी। समझ ही नहीं आता क्या क्या मामला है ये, ऑनलाइन की दुनिया, वर्चुअल में पता ही नहीं चलता कौन है सामने, है ना। तो मुर्देश्वर मंदिर बच्चे कर्नाटक में स्थित है, जो कंदुका पहाड़ी पर बना है, अरब सागर के पानी से तीन तरफ घिरा हुआ है ये, ठीक है, याद रखना बिल्कुल। नेक्स्ट, भारतीय स्टेट बैंक सबसे बड़ा राज्य का स्वामित्व वाला बैंक किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1955, 1961, 1948, 1965? सवाल नंबर 38। बताओ बच्चे, क्वेश्चन नंबर 38 क्या होगा? तो भाई 1955 में इसकी स्थापना, 1 जुलाई 1955 को, जिसका इंपीरियल बैंक था, जिसकी स्थापना 1921 में की गई थी, याद रखिएगा। दिनेश खारा साहब इसमें क्या है? चेयरमैन है। तो एसबीआई, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को, हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, और यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था जो पहले आजादी के पहले केंद्रीय बैंक के रूप में काम करता था, ठीक है। नेक्स्ट, एस्ट्रोसैट भारत का पहला समर्पित मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप कब लॉन्च किया गया? 2015, 2018, 2017, 2014? क्वेश्चन नंबर 39। स्वामित्व मतलब अधिकार, स्वामित्व मतलब अधिकार बच्चे। तो 2015 में एस्ट्रोसैट भारत का पहला समर्पित मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप 2015 में लॉन्च किया गया है। कब किया गया है? 2015 में लॉन्च किया गया, याद रखिएगा। तो 28 सितंबर 2015 को पीएसएलवी एक्सेल पे लॉन्च किया गया था, पहला स्पेस टेलीस्कोप है, ठीक है। अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति किसके द्वारा बनाई जाएगी? जस्सा से हलवालिया, नरेश कुमार कुमावत, रामी सुतार, ऑल ऑफ दीज? सवाल नंबर 40। बाय हुम विल द स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड रामा बी मेड इन अयोध्या? अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति किसके द्वारा बनाई जाएगी? नरेश कुमार कुमावत, रामी सुतार,
जस्ता से हलवालिया या ये सभी क्या होगा? ऑल ऑल ऑल, जिसने भी रामबी सुतार लगाया ये लगा दीजिए, ये टेम्पल का निर्माण करेंगे, राम मंदिर का निर्माण करेंगे। मैंने भगवान राम की मूर्ति पूछा है, तो नरेश कुमार कुमावत हैं जो भगवान राम की मूर्ति बनाएंगे, नरेश कुमार कुमावत हैं जो भगवान राम की मूर्ति बनाएंगे। रामबी सुतार राम मंदिर बनाएंगे, रामबी सुतार मंदिर बनाएंगे, याद रखिएगा, गलती मत करना, ठीक है? तो भाई माटू राम कला केंद्र नरेश कुमार कुमावत द्वारा संचालित एक कला स्टूडियो है जो अयोध्या में सरयू नदी के तट पर भगवान राम की 251 फीट ऊंची प्रतिमा को गढ़ रहे हैं। एक बार पूरा होने के बाद यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। जो किससे बना रहे हैं, तो ढलवा कांस्य मूर्ति से बन रहा, कांस्य से बन रहा है ये, इसे पूरा करने में 3 साल लगेगा, ठीक है? और ये स्टेचू आप देख रहे हो कि राम मंदिर स्टेचू ये है, और जो आपने देखा ना कि स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण भारतीय मूर्तिकार रामबी सुतार ने किया था, ये 143वीं जयंती पर, वर्षगांठ पर 31 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था, ठीक है? तो ये था भाई आज का सेशन। हाउ वाज द सेशन, कैसा लगा सेशन बताओ? मजा आया भाई? मजा आया तो यार लाइक वाइक ठोका करो, कम से कम कमेंट वर्ट किया करो, है ना? तो ये था आज का सेशन। इसके अलावा आप हमारे साथ जरूर जुड़िए अन अकेडमी पे, जहां बिल्कुल डिटेल कहानी की तरह पढ़ेंगे तो दिमाग में सेट रहेगा, ठीक है? तो जुड़िए ना, अगर आपका अगर आपको जीएस थोड़ा सा वीक है भाई, तो ज्वाइन कर लो, और क्या चाहिए भाई? देखो है ना, रेफरल कोड लगाकर बाबाटेन लगाइए, जुड़िए एसएससी में। और अगर आपका केवल रेलवे, सर मैं केवल रेलवे का तैयारी करता हूँ, तो यहाँ पर संविधान पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अब थ्योरी पढ़ाने का टाइम मिलेगा नहीं आपको, पढ़ाने का टाइम मिलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि जैसे रिजल्ट अनाउंसमेंट होगा, फिर 5000 प्लस से श्रृंखला शुरू करेंगे CBT2 के लिए, ठीक है? तो अभी सेम प्राइस में आप ज्वाइन कर सकते हो रेलवे कैटेगरी में। और परसों संडे है, तो कॉम्बेट में जरूर पार्टिसिपेट करिएगा। फायदा क्या होगा, अगर आपकी रैंकिंग 1, 2, 3 आती है ऑल ओवर इंडिया में, तो 1 साल का SSC सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। इनरोल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोड मांगेगा यहाँ पे, तो कोड आपको बताइए, बाबाटेन डाल देना, है ना? इसके अलावा अगर आपको लगता है कि किसी भी वीडियो में, किसी भी क्लास में इन अप्रोप्राइट कॉन्टेंट है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ एरर है, तो आप जरूर रिपोर्ट करिए और विन करिए, जीतिए, ठीक है? अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए आप हमारा रेफरल कोड लगाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं भाई। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना। मिलते हैं फिर नए सेशन में, तब तक के लिए उम्मीद करेंगे बिल्कुल धुआंधार तरीके से पढ़िए, खुश रहिए।